Hey guys, good morning, welcome back. It's Orpita. I hope you all are doing extremely well. आज मैं बहुत दिनों के बाद vlogging कर रही हूँ. मतलब अजीब सा लग रहा है but बहुत अच्छा लग रहा है. So past 30 days या फिर उससे ज़्यादा हो गया है मैं vlogging कर ही नहीं हूँ because मुझे time नहीं हो रहा है. चलो आज के vlog में मैं आपको पूरा update देती हूँ that what actually happening behind the camera. बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो गया है and आप लोगों ने सारा mini vlog तो देखा होगा. तो पहला update मैं आपको ये देने वाली हूँ that आयांश का जो है एयरफोर्स स्कूल में एडमिशन हो गया है. तो वो स्कूल जाना स्टार्ट कर चुका है. हालांकि कुछ दिनों में उसका समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो डिफरेंट बात है, लेकिन उसका एडमिशन हो गया है. अभी कुछ दिनों के लिए वो जा रहा है समर वेकेशन से पहले स्कूल. सो मैं जब उसका एडमिशन करवाई थी ना, मैंने सोचा कि चलो बहुत अच्छा है, उसका एडमिशन हो गया, अब आई विल गेट सो मेनी फ्री टाइम. तो मैं थोड़ा सा अपने आप का यू नो काम करूंगी. बट जिसे आज मैं उसको छोड़ के आई ना बस के पास, उसको एक्चुअली बस यहां से पिक करते हैं, तो जब मैं उसको छोड़ के आई तो मैंने घर को देखा, यार मैं रेस्ट कब करूंगी. सी दिस वहाँ 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 चारों तरफ फैले पड़े हैं. आई मीन मैं रेस्ट कब करूँगी, रेस्ट तो होने से रहा. ये देखो बेडरूम का हालत भी देख लो, देख लो चारों तरफ. तो मुझे बैठना नहीं है, वो चाहे घर पे हो ना हो, स्कूल जाए ना जाए, मैं आऊँगी तो झाड़ू पोछा के लिए मैंने उनको लगाया है और बर्तन के लिए. तो झाड़ू पोछा करेंगी मतलब वो झाड़ू पोछा ही करेंगी, ठीक है. ऐसा नहीं है कि खिलौना पड़ा है तो उठा के रख देंगी, नो शी विल नॉट डू दैट. घर के सामने होता है अमेजिंग मैंगोज, तो पक गए हैं, इनको काटते हैं. इतना टेस्टी एंड अमेजिंग बनता है ये ना, तो चलो इनको खाते हैं अभी पक के. चलो अब बनाते हैं लस्सी, मेरी फेवरेट चीज़ है. देखो मैं कैसे बना रही हूँ. दही ले लेना, टी स्पून निकालते हैं थोड़ा सा पिस्ता वाला, चेरी, ये रहा लस्सी. तो मैं अभी मी टाइम एंजॉय करूंगी विद दिस. आई नो थोड़ा सा मैंने आइसक्रीम डाल दिया है. ये मैं कुछ अभी लेके आई हूँ, काफ़ी अच्छे खासे ईद के ऑफर चल रहे थे तो ग्रॉसरीज, हाँ चिप्स एंड ऑल, ये बिस्किट्स एंड ऑल. तो सुबह सुबह मुझे नशा चढ़ा है दैट मैं बनाऊंगी आज चीज़ी समोसा. ये मैं लेके आई थी शीट, समोसा शीट. तो मैं ये कॉर्न एंड चीज़ का जो है बनाऊंगी समोसा. सो लेट्स डू दिस. सी द समोसास, एंड ऐसे बिग वाले भी बनाए हैं एंड छोटे छोटे आम्स के लिए भी बनाए हैं. इस कॉर्नर पे मैंने एक सीट एरिया लगाया है बिकॉज ऑफ अयांश, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा हवा आता है उस विंडो से. तो मैंने सोचा कि एक सिटिंग एरिया बना देती हूँ, अयांश बैठ के यहाँ पे खेलेगा या फिर यू नो रीडिंग वगैरह जो भी इसका स्टडीज़ है वो करेगा. सो या आई रियली फील लाइक ये काफ़ी अच्छा बना. यहाँ पे मैंने एक मैट्रेस डाल लिया है, उसके ऊपर न्यू वाइट बेडशीट बिकॉज ओबियसली मेरे घर की जो वाइब है वो वाइट वाइट है. सो एंड वी हैव अ मिरर देयर जहाँ पे मैं खड़े होके गेट रेडी विद मी फिल्म करती हूँ. सो फार दिस कॉर्नर इज़ लुकिंग गुड. गाइज एवरीथिंग, सब प्लानिंग जो भी मैंने आपको बोला था सब चेंज हो चुका है. वी जस्ट गॉट टू नो लाइक 1 आवर पहले दैट मेरे जो नेबर हैं पंजाबी नेबर, उनके घर में जो गेस्ट आए हैं ना, मतलब उनके फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है, कल ही रिटर्न कर रहे हैं. सो मतलब तो मुझे तो उनको बुलाने के लिए था ही घर पे खाने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है जब मेरे घर वाले आए थे ना तो उन्होंने भी बुलाया था. तो ऐसे होता है कि यू नो हमारे यहाँ ऐसे कोई आता है तो घर से भी बुलाते हैं प्यार से खाने के लिए. तो उन्होंने भी बुलाया था, मेरा तो तब से पेंडिंग चल रहा है, मैं इधर उधर बिजी रह रही हूँ, बुला नहीं पा रही थी. जब मुझे पता चला कि वो लोग उन लोगों का सडन टिकट हो गया है और वो जा रहे हैं, बाप रे बाप, मैं तो तभी से लगी हुई हूँ कैसे करूँगी, बस मैंने बोल दिया एंड तभी से मैं लगी पड़ी काम पर. तो अभी चलो फटाफट से पूरी बन गया, अभी सब बन गया, अब बस कढ़ाई पनीर बनाना है. तो फटाफट से बना के आई विल बी फ्री. ओ माई गॉड, मैं बहुत ही टायर्ड लग रही हूँ.
ओह माय गॉड, शाही पनीर के लिए ये रेडी है। ठीक है ग्रेवी, इसमें बस डालना है पूरी बन चुका है, पराठा बन चुका है, वेज बिरयानी सब अकेले बनाया है भाई, सब अकेले बनाया। अब मिस्टर मोहंती मुझे सिर्फ इसमें कोल्ड ड्रिंक्स डालने में हेल्प कर रहे हैं। तालियां तालियां। I discarded all these makeup products because पूरे इसमें मेकअप है मेरे, यहाँ पे मेरे जितने न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि सी जो कि अभी मैं करंटली यूज़ करती हूँ देर, तो मैंने सोचा कि जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको होल्ड ऑन करने की कोई फ़ायदा नहीं, तो इनको सारे मैं फेंक रही हूँ, देखूँगी कुछ आधे जो भी ठीक ठाक लगेंगे मुझे उनको मैं सेल कर दूँगी, डिस्कार्ड करके भी इतने सारे। So I really feel like I don't need them, I need to throw with all the love. मैंने new Maybelline के साथ की है collab. This is a really good and great news. तो उन्होंने send किया है ये foundation का set मेरे पास with this brush. Let me show you. See. तो इनका भी वीडियो बनेगा जल्दी गाइस। सो इट्स ऑलमोस्ट 4:30, एवरीथिंग इज़ डन। मैंने थोड़ा सा वो लोग आने से पहले ना घर का सेटअप वगैरह कर दिया था, बिकॉज चाहे वो नेबर हो कोई भी हो, अगर मैं घर पे किसी को इनवाइट कर रही हूँ, मेरे घर मुझे अगर फैला हुआ दिखता है तो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता। थैंक्स गॉड कि मैंने सुबह उठ के वो वाला कुछ कुछ काम कर दिया था, बस मैंने लास्ट मोमेंट वाला बेडशीट चेंज एंड ये वो ये सब काम कर दिया एंड एवरीथिंग वॉज गुड टू गो। सो सब कुछ अच्छे से हो गया, 4:30 हो रहा है, तो मैंने अभी सोचा कि जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बिकॉज फिर उठ के हम लोगों को थोड़ा बाहर जाना है, मुझे कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं। खाना भी बहुत टेस्टी बना था काफ़ी उन्होंने बोला, तो वैसे भी आप लोगों को पता होगा आगे आगे पूजा, बहुत सारे पूजा वगैरह आ रहे हैं, तो उनके लिए मुझे साड़ी वगैरह सब कुछ बनाना भी है। तो जब मैं घर से आ रही थी तो तब मैंने 2-3 साड़ी का ब्लाउज़ जो है वो मैं बना के लेके आई थी, पर मुझे अभी और 2-3 का बनाना है, सो दैट पूरे साल के जो भी फेस्टिवल्स आएंगे मैं अपने हिसाब से पहन सकूँ। चलो मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ एकदम रेडी वेडी होके जब मैं बाहर के लिए निकल रही होंगी। ठीक है ओके। तो अब मैं रेडी हो गई थी क्योंकि गेट रेडी हो इतनी वीडियो तो मैं आप लोगों के साथ आए दिन शेयर करती रहती हूँ, तो अब फिर से शेयर करूँगी तो आप बोर हो जाओगे, तो मैंने सोचा कि चलो डायरेक्टली रेडी होके ही मिलती हूँ। तो आई वॉज़ वेयरिंग दिस रेड कलर का टॉप विथ माई यू नो हाई वेस्ट जीन्स, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कंफर्टेबल है एंड मौसम भी बहुत अच्छा था क्योंकि बारिश हो गया था थोड़ा सा आज। एंड मिस्टर मोहंती सेड की कोई ट्रिवेंड्रम कार्निवल हो रहा है, फर्स्ट टाइम मैं देखने वाली थी कोई एग्जीबिशन ऐसा, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी एंड वहाँ पे टिकट की भी ज़रूरत पड़ती है तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड डिनर भी हम लोगों का बाहर ही प्लान था एंड मुझे थोड़ा मैंने थोड़ा सैलून का अपॉइंटमेंट ले रखा था जस्ट बिकॉज ऑफ माई यू नो फेस, क्योंकि यू नो थोड़ा टैनिंग के लिए मैं कुछ करवा रही हूँ आजकल, तो उसके लिए मैं जाने वाली थी, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसके लिए, हार्डली 30-45 मिनट्स लगता है, तो वो भी मैं करने वाली थी लेकिन वो मैं डिनर करके ही करूँगी। तो आप लोग ज़रूर देखना जब मैं घर पे जाके आप लोगों को फेस दिखाऊँगी, तो आप कंपेयर करना कि सैटरडे एंड संडे में मेरा जो फेस का टेक्सचर है कितना चेंज हो गया है, तो जो मैं ट्रीटमेंट अभी करा रही हूँ वो काफ़ी अच्छा है। सो एनीवेज, तो अभी हम फेस्टिवल में पहुंच चुके थे, त्रिवेंद्रम सिटी कोई भी फेस्टिवल आता है तो इतने सुंदर से ये लोग डेकोरेट करते हैं कि मज़ा आ जाता है देख के। जब आप अंदर जाते हो अंदर पेट सर्कस होता है, जो मैजिक शोज होता है, एग्जीबिशन होता है, फेस पेंटिंग, एवरीथिंग वॉज देयर, तो आपको देख के मज़ा आ जाएगा। अगर आपने अभी तक कभी भी कार्निवल शो नहीं गया हो तो ज़रूर जाना एक बार, मज़ा आ जाएगा। देन हम एक प्योर वेज रेस्टोरेंट पर गए थे क्योंकि सैटरडे था तो हम वेज खाते हैं। सो आज संडे है, संडे मॉर्निंग मैं ये आउटर फिल्म कर रही हूँ, कल रात को आते आते काफ़ी लेट हो गया था, हम लोग डिनर करने के लिए चले गए थे वो जो कार्निवल हो रहा था वहाँ से, एंड देन फिर आके मैंने सोचा कि घर पे जाके क्या ही ब्लॉग बनाऊँ, देन मैं आप लोगों के साथ क्योंकि बात करना था ना, तो मैं रात को अच्छे से बात नहीं कर पाती, तो मैंने सोचा सुबह उठ के सुबह अच्छे मूड पर फ्रेश मूड में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ व्हाट वॉज एक्चुअली हैपनिंग फ्रॉम पास्ट
लाइक 30 to 35 days। तो आप लोगों को पता होगा मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, जब वो लोग आए हुए थे तो मैंने आप लोगों के साथ एक ब्लॉग भी शेयर किया था, एंड दैट वाज द ओनली ब्लॉग जबकि मैंने घर पे शेयर बनाया था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। फिर आफ्टर दैट हम लोग घूमने चले गए, ठीक है, क्योंकि वो लोग सिर्फ 20-25 दिन के लिए आए थे, एंड केरला साउथ इंडिया अपने में ही इतना बड़ा है कि 20-25 दिन में ख़त्म करना लाइक वे टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उन लोगों को मैंने इतना फोर्स कर करके यहाँ पे बुलाया था। तो मैं चाह रही थी कि एक बार मैं उन लोगों को सब घुमा दूँ, सब कर लूँ, सो दैट पता नहीं वो लोग फिर नेक्स्ट आए कि ना आए, क्या करेंगे। सो जब वो लोग आए तो इतना घूमे हम लोग, इतना घूमे, घर पे तो रहे नहीं कि मैं होम व्लॉग क्या ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ कुछ भी, मतलब ना मैंने उन लोगों को, हार्डली हम 4-5 दिन ही घर पर रहे होंगे जिनमें मैंने उनको कुछ बना के खिलाया होगा, अदरवाइज़ हम लोग बाहर ही घुमा घूमे, लाइक बाहर ही खाना पीना, बाहर ही घूमना, तो यही चल रहा था। सो देन जब 20 to 25 days ख़त्म हो गया, वो लोग यहाँ से गए, आई वॉज आउट ऑफ जोन, लाइक बहुत ही डाउन फील कर रही थी, नॉट ओनली बिकॉज कि वो लोग यहाँ से चले गए, तो इसलिए क्योंकि इतने दिनों से जो घूमना फिरना भी हो रहा था ना, बहुत धूप था तब, बहुत बहुत बहुत, टेम्परेचर वॉज लाइक 37, एंड उसमें हम लोग घूम रहे थे दैट टू एंटायर डे फॉर 20 to 25 days। मेरा सर दर्द करने लगा था, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज वेरी डाउन, मेरी जो स्किन है वो भी ख़राब हो गया था, लेकिन इतने सारे बम्स आ गए थे, क्योंकि डेली आप जब मेकअप करते हो, डेली बाहर घूमते हो, आपके साथ ऐसा होता है, राइट। तो माय स्किन वॉज नॉट इन गुड कंडीशन, मैं मेंटली भी बहुत ही डाउन फील कर रही थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स चले गए थे। तो ऐसे करके लाइक उसी टाइम में मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं बना पाई जब वो लोग गए फॉर नेक्स्ट 10 to 12 days। आई वॉज इन कोमा लिटरली, एंड देन जब मुझे होश आया कि यार इतने सारे ब्रांड की चीज़ें मेरे पास, इतने सारे काम पेंडिंग हो गए थे, क्योंकि ओबियसली 20 to 25 days से तो मैंने कुछ काम किए नहीं थे, बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गए थे, एंड तब तक मुझे काफ़ी सारे कॉल एंड ईमेल्स आने लगे थे। तो मैंने उनको टाइम मांगा, मैंने बोला कि मुझे और 15 to 20 days दे दो, I will just complete everything। तो मैंने टाइम लिया उनसे, एंड क्योंकि मेरे पास 15 to 20 days थे उसके बाद, तो मैंने सोचा कि मेरे पास ट्रैवल ब्लॉग भी तब तक पेंडिंग हो गए थे, लाइक देखो मैंने तब तक ट्रैवल ब्लॉग एक भी शेयर नहीं किए थे, लाइक मैं कब एडिट करूँ, कब अपलोड करूँ, मेरे पेरेंट्स के साथ थोड़े दिन के लिए आए हैं, तो सब कुछ पेंडिंग था। तो फिर उसके बाद जो 15-20 days से मैं गायब थी, आई वॉज जस्ट डूइंग दैट कि मैं ट्रैवल ब्लॉग जितने भी पेंडिंग थे उनको शेयर करूँ, जो ब्रांड वीडियोज़ थे, जो भी प्रोडक्ट्स मेरे पास आए हुए थे, बिकॉज वो कमिटमेंट है, राइट। उसके लिए मैं जो पेमेंट मुझे मिला है वो लोग तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, राइट, उन लोगों को तो उनका चीज़ चाहिए ही चाहिए, डिलीवरेबल चाहिए ही चाहिए। तो सब कुछ मिल के मैंने 15-20 days में ख़त्म किया। फाइनली लास्ट वीक नहीं बोलूँगी, इसी वीक ही मैं एकदम ऐसा बोल सकते हो कि मैं मेंटली अपने काम के वाइज भी एंड एवरीथिंग वाइज आई वाज फीलिंग लाइक रिलैक्स्ड, गुड, स्टेबल। तो मैंने सोचा कि फाइनली मैं फ्रेश वीडियोस, ब्लॉग्स बना सकती हूँ, अभी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। ऑलरेडी मेरे पास इतने काम थे, उसमें मैं और क्या एक्स्ट्रा ब्लॉग बना के डालती, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब पहले उनको ख़त्म कर लूँ फिर मैं फ्रेश ब्लॉग्स डालना स्टार्ट करूँगी। तो आप ये जो ब्लॉग देख रहे हो ना, ये एकदम फ्रेश ब्लॉग है, मतलब मैं सैटरडे को ही, मतलब कल ही मैंने वीडियो बनाया, आज संडे है, आप मंडे कल या परसों तक ये ब्लॉग एडिट करके मैं डालने वाली हूँ, तो आपको फ्रेश ब्लॉग मिलने वाला है। मेजर अपडेट मैं ये देने वाली हूँ कि फ्रॉम नाउ ऑन आपको जो अभी ना वीकेंड ब्लॉग मिल रहे हैं ऐसा नहीं होगा, मैं आपको डेली ब्लॉग्स दिया करूँगी, वो भी शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं सिर्फ आपको सैटरडे संडे की ब्लॉग डालती हूँ लॉन्ग फॉर्म में, आप देखते हो अभी मैं हर दिन क्या क्या करती हूँ, पूरा एंटायर डे का ब्लॉग नेक्स्ट डे डाला करूँगी। सो डेली ब्लॉग्स आपको मिलते रहेगा, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना क्योंकि काफ़ी सारे अपडेट्स मैं वहाँ पर भी देती हूँ। यू कैन सी ऑलरेडी मेरे पास कितने सारे पैकेजेस, कितने सारे प्रोडक्ट्स पेंडिंग, लाइक अभी जो आए हैं इसी वीक वो पड़े हुए हैं, तो इनके भी वीडियोस वगैरह मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। सो मुझे फॉलो कर देना यहाँ पे भी, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब में, एंड इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। सो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग विद अ न्यू कंटेंट, टिल देन बाय।